और अचानक क्या हुआ, अभी चर्चा से क्यों वो लोग अलग होके हंगामा कर रहे, सदन को क्यों नहीं चलने दे रहे, समझ में नहीं आ रहा लोगों को। और उनका जो प्रोटेस्ट था वो तो एकदम फ्लॉप हो गया, तो लोगों ने इनका हंसी मजाक उड़ाया, इन्होंने बंद का ऐलान किया, फिर बाद में कहने लगे हमने बंद का ऐलान दिया नहीं, तो बंद लोगों ने किया नहीं, और उन्होंने बाद में कहने लगे आक्रोश रैली, आक्रोश रैली भी एकदम फ्लॉप हो गया। उनका कार्यकर्ता के अलावा एक जन भी इनको साथ देने के लिए तैयार नहीं था। देश भर में जो जो खबरें आ रहे हैं वो खबरें देख के सीपीएम का नेता विमल बोसु, जो बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा एक बंद का ऐलान करना हमारा गलती हो गया, पर्याप्त तो समय नहीं है, ऐसा उन्होंने एक उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया, वो अलग बात है। समय नहीं है ऐसा उन्होंने एक उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया, वो अलग बात है। और बाकी सीपीआई नेता ने भी, सरोवरम सुधाकर रेड्डी ने भी कहा हमने बंद का ऐलान किया नहीं ऐसा, मगर बंद का ऐलान किसने किया, काल किसके द्वारा आया, और केरला में क्यों बंद अमल करने के लिए सरकार ने पूरा प्रयास किया, इन विषयों का समाधान देना उनका कर्तव्य बनता है। और कुल मिला के एकदम ये प्रोटेस्ट फ्लॉप हो गया, बिकॉज जनता खुश है, मोदी जी ने जो निर्णय लिया ये ऐतिहासिक निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है, इसलिए देशवासी खुश है। कुछ दिक्कत है तो दिक्कतों को भी सहन करने के लिए लोग तैयार हो गया, कारण क्या है, देश का भला होगा, गरीबों का उत्थान होगा, ऐसा मान के। अभी बीच में इन्होंने स्वर बदला और कहने लगे पीएम आना चाहिए, पीएम आया, और मनमोहन सिंह जी ने जिनको तीसरी प्रायोरिटी में मौका दिया कांग्रेस वालों ने, मनमोहन सिंह जी का सुना है प्रधानमंत्री, बाद में उनको भी अभिनंदन किया, तो सेल्फ एक्सपोजर हो गया कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी। और बाद में फिर हाउस को नहीं चलने देना, आज भी हम कड़े होकर कहा बहस शुरू करो, हम तैयार है, हम मंत्री लोग बैठे, मैंने ये भी कहा प्रधानमंत्री आएंगे, बहस में जरूर हस्ताक्षेप करेंगे, और बाद में बहस का उत्तर संबंधित मंत्री वित्त मंत्री देंगे, ये स्पष्ट रूप में मैंने कह दिया। फिर भी उनका समस्या क्या है समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को, मैं जानना चाहता हूं विपक्ष से, मुख्य रूप में कांग्रेस और कम्युनिस्ट और उनका साथ देने वाले लोगों से, भाई विषय क्या है, बहस करो, आरोप करो और समाधान सुनो, संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं तो क्या करना आपको मालूम है, मगर ऐसा पार्लियामेंट को चलने नहीं देना और देश का जनता का समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं होने देना, ये अलोकतंत्र है, ये जनता इससे बहुत दुखी है और नाराज भी हो रहे, और ये भी बता रहे प्रधानमंत्री ही जवाब देना, ये कहां से आया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1952 से लेकर अभी तक जो नियम है, पद्धति है, उस हिसाब से मंत्री माने कोई भी मंत्री जवाब दे सकते, ये तो सेटल्ड इश्यू है, और चेयरमैन ने भी स्पष्ट रूप में अपना रूलिंग दे दिया है, चेयरमैन ने रूलिंग दे दिया, हमने बता दिया हम लोग बैठेंगे। फिर भी मैं इसे आज एक बार हाउस में दोबारा पढ़ के सुनाया, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वाई द अपोजिशन इज शाइंग अवे फ्रॉम द डिबेट, हैविंग गिवन ए नोटिस, हैविंग इनिशिएटेड द डिबेट, हैविंग पार्टिसिपेट इन द डिबेट, वाई दे आर गोइंग अवे, रनिंग अवे इन द मिडिल ऑफ द डिबेट, आर दे एग्जॉस्टेड, आर दे हैव बीन एक्सपोज बिकॉज ऑफ द हैलोनेस ऑफ देयर स्टेटमेंट, आर दे आर टोटली disillusioned with or frustrated over the total failure of the band, flap of the acrosh and disunity among themselves, they are not united, there is no clarity, there is no unity, there is total confusion within the opposition ranks, that being the case they are frustrated, that's why they just want to continue the hangama by obstructing the house. I have sought the permission of the chair and then quoted the rule also of the house, rules and procedure 11.1, rule 2.1 of the rule of procedure and conduct of business in the council of states, means Rajya Sabha, has defined minister, minister means member of the council of ministers, a minister of state, a deputy minister or a parliamentary secretary also, this is has been defined in 11.1 mein, rule 2.1 mein, first roop mein mantri ka ardh kya hai bata diya, next. Then, rule 18 of the rules of procedure and conduct of business,
the Rajya Sabha, the government's right to reply on the conclusion of debate or during the discussion in the House, the intervention of any minister, including the Prime Minister. The rule prescribes that Prime Minister or any other minister, whether he has previously taken part in the discussion or not, shall, on behalf of the government, have a general right of explaining the position of the government at the end of the discussion. This is the clear rule. Accordingly, every minister has got a right to participate in the proceedings of both the House of Parliament and then give his own response. On the 10th December 2009, Sri Kapil Sibal, Minister for Human Resource Development and a member of Lok Sabha, participated in the short duration discussion on the Liberan Commission report under the Indian National Congress, to which Sri Sibalji belongs to. They have authorized him to speak on behalf of the party. He has done it. So what is the issue? I would like to know from the opposition, if they have a point, what is the point? Why they are disturbing? Why they are obstructing? This is the question people are asking. I thought I should pose this question in the House. I posed this question. Chair has allowed me, but they did not hear it fully because Mayawati ji was saying, Charcha adhura hai. Maine Mayawati ji ko kaha, aap sahi kare, charcha adhura hai. So adhura raha charcha, usko aage badao, charcha karo. सत्तारूढ़ पार्टी वाले ने भी आपने देखा होगा, वो लोग मांग कर रहे हैं चर्चा शुरू करो. क्यों सरकार ये विपक्ष चर्चा शुरू करने में इतना संकोच कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा. प्रधानमंत्री जी ने वो तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर बता पाएंगे. मेरा कहना है, सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया, ये लोक कल्याण मार्ग, जो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग से गरीब कल्याण की ओर हम लोग जा रहे हैं, ये ऐतिहासिक कदम गरीब कल्याण के लिए लिया है. और गरीबों का उत्थान, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, ये हमारा सरकार का प्राथमिकता है. जो आज जो कानून लाया लोकसभा में, ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है. ये कानून के बारे में चर्चा होगा इस सदन में, इसलिए मैं उसके बारे में विस्तार से नहीं कह रहा हूं. मगर जो पैसा मिलेगा, वो पैसा गरीब कल्याण के लिए उपयोग करेंगे, ये पार्लियामेंट्री पार्टी में प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप में कहा है. बाकी अन्य विषयों के बारे में चर्चा हुआ, अमित भाई शाह ने भी बोला, बाकी लोग भी बोलेंगे. एक ये एमपी जनता के बीच में एक अनुसंधान होके उनको जो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तो ऐप का उपयोग करके मनी चेंज करना, एक्सचेंज करना, इस विषय में लोगों को तक पहुंचा के एक सेतु के रूप में लोगों के संपर्क में रह के आगे बढ़ाना, ऐसा उन्होंने कहा है. तो मैंने एक वर्ड ऐड किया है, मैंने कहा इसमें अभी लेटेस्ट दो लाइन ये है, ऐप और स्वाइप. ऐप और स्वाइप, ऐप माने बैंक का जो नंबर लीजिए आपका मोबाइल से, ऐप से नंबर लेके यूज करिए, एक्सचेंज हो जाएगा. नहीं तो वो मशीन के द्वारा स्वाइप करिए, पैसा ऑटोमेटिकली उनका पेमेंट हो जाएगा. यही ना जैसे टॉक ऑफ द टाउन ना. सर, बैंक अकाउंट देने के लिए बोला, क्या पारदर्शिता? विस्तार से